साफ सुथरा छवि क्या है, 70% घोटालेबाज लड़ रहे हैं, इस बार आपको चुनाव हर हाल में आ गया। घोटालेबाज का नाम फिर आ गया, किन पे क्या आरोप है, किन पर क्या आरोप है? डस्टबिन, लाइट, शौचालय घोटाला, लगातार जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, नगर परिषद का चुनाव है, नेताजी भी पहुंचे हैं, डोर टू डोर सारे लोगों से मिल रहे हैं, और नगर परिषद का सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है। तमाम जनता जो 5 साल से त्रस्त थी, जिनको काम की उम्मीद थी, उनका काम हो पाया है कि नहीं, यह बड़ा सवाल है। इसमें कई चेहरे ऐसे आए हैं जो पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिनसे एक बार पर्दा सुभाष चौहान भी उठा चुके हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो नेता आपके बीच आ रहे हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, ये बताएंगे सुभाष चौहान, जो कि ये वार्ड से उठे हुए हैं, और इनकी पत्नी सभापति से। जी हम सही कह रहे हैं सर? जी 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 एकदम सही बोल रहे हैं भाई। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप इसके पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं अपने वार्ड का, लगभग समस्याओं से वाकिफ है, आपको जानकारी है कि कौन कौन सी समस्या लोगों के बीच है, और वही समस्या लगभग पूरे शहर में है, सही बात है? तो कैसे इसका निवारण होगा? देखिए हम लोग 15 वर्षों से नगर परिषद का जी मेंबर रहे हैं, हमारे पत्नी रीता देवी जी, और 15 वर्षों में कितने लोग पार्षद आए और कितने पार्षद हार गए चुनाव, लेकिन हम लोग 2007 के बाद कभी चुनाव नहीं हारे। क्या वजह थी? वजह ये थी विकास, विकास। इतने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को राशन किराशन पेंशन आवास, और हम लोगों की तरफ स्थिति ये था कि छठ पूजा मनाने के लिए मैंने कीचड़ में लोग अर्घ देता था, आज जाइए मेरे एरिया में ग्रेनाइट टाइल्स लगा करके हमने छठ घाट दो दो बनवाया है, और 8 से 10 करोड़ रुपया के खाली पीसीसी नाला सड़क बनवाए। यही कारण है कि जनता हम पे बहुत भरोसा करती है। साफ सुथरा छवि क्या है, 70% घोटालेबाज लड़ रहे हैं, इस बार आपको चुनाव हर हाल में आ गया। घोटालेबाज का नाम फिर आ गया, शायद यही वजह है कि बीच महफिल में दहाड़ के बोलते हैं। तो नहीं, भ्रष्टाचारियों का नाम बताइएगा। अब नाम बताना उचित नहीं है, प्रतिनिधि हैं हम, लेकिन अरे तो जनता कैसे पहचानेगी, या तो फिर आप अनगल जनता को गुमराह कर रहे हैं, आखिर कुछ तो बताइए, जितने FIR दर्ज है वो कैसे छुपा लेंगे यार? ये किसी से छुपा नहीं है, जो FIR हुआ है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भाई हमारे एक वोट से आपका कुछ नहीं ना होगा, जनता को बताइए। जनता सब जानती है कि कौन कौन घोटाला किया है। अजी आप जानते हैं? जी जानते हैं। कौन घोटाला किया है? घोटाला के बारे में हम बताने, सुभाष भैया जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन घोटाला किया है? जी सर। नेताजी जनता नहीं जानती, आपको बताना होगा। आप डर गए क्या? नहीं, डर कैसे गए, चुनाव मैदान में उतरे हैं जनता के लिए कि अपने लिए? नहीं अपने लिए, जनता के लिए उतरे हैं तो जनता की जो बातें हैं बताएंगे ना जी। कौन कौन है भ्रष्टाचारी? इसके पहले आपने बबलू चौहान का नाम लिया था, अनुराधा गुप्ता को आप छोड़ रहे हैं, अनुराधा गुप्ता को छोड़ रहे हैं, बताइए किन पे क्या आरोप है, किन पर क्या आरोप है? डस्टबिन, लाइट, शौचालय घोटाला, अन्य बहुत सा ऐसा घोटाला है, अब कितना गिना है, अब चुनावी माहौल है, समय नहीं है, इतने जान लीजिए किसान। यही तो समय है नहाने पे दहला फेंकने का नेताजी, यही समय है। बबलू चौहान पे क्या आरोप है, स्ट्रीट लाइट घोटाला का था, कितना का था आरोप? 7 करोड़ का स्ट्रीट लाइट घोटाला खाली था, 1 करोड़ का जमीन घोटाला था, पार्टी घोटाला था, इतना नाम ले छोड़िए। अब अनुराधा गुप्ता पर क्या आरोप है? देखिए जो प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं, यही तो वक्त है पहचानने का, पैसे के बल पे बिक जाएंगे क्या आप? यही तो कह रहे सुभाष चौहान के आदमी, आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं? अनुराधा गुप्ता पर क्या आरोप है? उन पर FIR भी दर्ज है, उसका कॉपी आपको देंगे हम। जी क्या क्या आरोप है उन पर? पर भी कई सा आरोप है, जैसे बताइए, कुछ बताते रहिए। FIR है आप इतने जान लीजिए, फिर अगला बार। तो क्या ये माना जाए अनुराधा गुप्ता से सुभाष चौहान डर रहा है? देखिए मामला जब आम मुद्दा का हो, सर क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों का नाम बताना चाहिए कि नहीं? नेताजी को
बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए भाई। तो जनता जब कह रही है तो क्या सुभाष चौहान हिचक रहे हैं पीछे? अब तो हम बोल दिए कि घोटाला हुआ, अब कितना अनुराधा गुप्ता पर क्या आरोप है? चूंकि वो भी मैदान में है, फिर लोग फंस जाएंगे, फिर विकास नहीं होगा। भैया शहर में नाला सड़क रोड जो भी बना है उसमें भी घोटाला हुआ है। 10 लाख के काम टेंडर है, 3 लाख का, 4 लाख का काम हुआ है, 6 लाख घोटाला, वो भी घोटाला है। स्ट्रीट लाइट के समय भी लगा था, उसमें भी घोटाला है। बाल्टी जो खरीदा था घर घर देना था, बाल्टी डस्टबिन जो था वो सरकारी रेट में लिया गया था, कुछ और खरीदा गया था कुछ और हमको लगता है कि सारा गोदाम से 70% खरीदने के बाद भी गायब कर दिया गया। डस्टबिन घोटाला, डस्टबिन घोटाला बहुत बड़ा मामला है सर। तो अब आप जनता के बीच क्या कहके जा रहे हैं? जनता के बीच यही कहेंगे कि हम लोगों को 15 साल से कोई घोटाले का आरोप नहीं है और साफ सुथरा छवि वाले हम लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे कि आप एक बार मुझ पर भरोसा करें, घोटालाबाज को भगाएं और इन पर भरोसा करें। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला पहले ये बताइए तो हम लोग को। मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 7 पर खिलाई मशीन। क्या विकास करेंगे? क्या कुछ प्रारूप आपने तैयार किया है? प्रारूप सबसे पहले नाला का ड्रेन बनाएंगे जो जाम की समस्या दूर होगा। साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे, कर्मचारियों का वेतनमान में वृद्धि करेंगे और आवास बनाएंगे। जहां छठ पूजा करने में दिक्कत है वहां छठ घाट बनवाएंगे। और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि जाम की समस्या है, वेंडर लोगों की समस्या है, उसको दूर करेंगे। वेंडर गरीबों का समस्या आपको पता होगा, यहाँ लगाई तो वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ लगाइए तो वहाँ से हटा दिया जाता है। आखिर ये गरीब मजदूर जाएंगे कहाँ? तो अपने ऐसे नेता को चुनिए जो आपका साथ दे, है ना जी? और साफ सुथरा छवि हो, और साफ सुथरा छवि हो, फिर आ गया, साफ करने वाला हो, विकास करने वाला हो, साफ सुथरा छवि हो। जिन लोगों पे आपने आरोप लगाया है फिर वो चुनावी मैदान में है, उनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी ना, ऐसा सबक सिखाएगी कि फिर वो चुनाव लड़ने के लिए 200 बार सोचेंगे, 200 बार सोचेंगे इस बार घोटालेबाजों को। क्योंकि वार्ड पार्षद नहीं है कि 2 करोड़ रुपया खर्चे कीजिए, चेयरमैन बनिए और 13 करोड़ घोटाला कीजिए। अब जनता के हाथों में चुनाव है और जनता अच्छे प्रतिनिधि को चुनेगी। दो लाइन क्या कहेंगे सर जनता से, अपील करेंगे? सिवान नगर परिषद के जनता से अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए बताइए। हम सिवान नगर परिषद के जनता से यही आग्रह करेंगे कि एक बार मुझ पर भरोसा करें और मैं विकास की गंगा नहीं बहा दिया तो फिर दूसरी बार चुनाव लड़ना नहीं है। क्या लगता है कि साफ सुथरा छवि अब की हावी रहेगा चुनाव में? सब रहेगा सर, सब कैसे रहेगा? घोटालाबाजू रहेगा? फिर दे दीजिएगा पैसा के बल पे, पैसा का बात है। जनता एक बार विकास खोज रही है, जनता विकास खोज रही है। हाँ सर, जनता विकास खोज रही है। विकास चाहिए, घोटालेबाज चाहिए? विकासवाद चाहिए, विकास वर्सेस घोटालेबाज। जनता भी अब जाग चुकी है। सही बात है, जाग चुके आप लोग, बिल्कुल अब नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम सवाल हैं जो खड़े हैं, जनता अब जाग चुकी है। क्या लगता है सर, घोटालेबाज की विकासवाद? अरे विकासवाद तो सभी आदमी है, ऐसा थोड़ी है, घोटालेबाज भी सभी आदमी है, ऐसा थोड़ी दिखता है। मैं ये तो आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं इनके पर आरोप नहीं है? इनके पर आरोप नहीं है, बात सही है जी। 90 करोड़ का आता है नगर पालिका का जी, जी पूरा वार्ड का जी, कहाँ कोई खर्चा दिखता है? कहीं नहीं, जहाँ देखिए वहाँ, जहाँ देखिए नल्ला जाम, यही तो हो रहा है। सिवान बड़ी समस्या से झांक रखा गया आप लोगों को जी, तो वही तो बात हो रही है कि किसे चुना जाए, किसे चुनिएगा आप लोग? घोटालेबाजों को? घोटालेबाज को तो अब देखिए हमारे तरफ नहीं हो सकता, आप अपने वोट के मालिक है ना जी, अपने घर के। घोटालेबाज को तो हम लोग नहीं चुनेंगे, ठीक है? इसमें बहुत आदमी है पैसा से जीतने वाले, बहुत आदमी है कि ऐसे ही अपना ख्वाहिश पूरा करे कि अपना नेता चुने, बढ़िया नेता है, बढ़िया साफ सुथराई से, साफ सुथराई दे अपना नगर पालिका, बस यही आदमी चाहता है कि बढ़िया कोई नेता है। चना बेच रहे हैं ये देख लीजिए,
इनसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है आइए। क्या लगता है जी, अब की बार घोटाला बाज हावी रहेगा कि जो विकास करने वाला वो हावी रहेगा? जो विकास करने वाला है तो ही चाहिए। मतलब हमारे कहने मतलब जो विकास करने वाले हैं उसी को जनता वोट देगी भाई। तो घोटाले बाज जो है जिन पर आरोप है FIR दर्ज है, वो लोग भी चुनाव मैदान में घूम रहे हैं, तब कैसे क्या होगा? अरे जनता सही है क्या? तो कहने मतलब जनता सही रहेगी तो भाई उनको जिताएंगे, जनता के ऊपर में है।